हेलो, वेलकम बैक्स गाइस। आपका स्वागत है एएलपी आकिब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के वेरियस ट्रेड के बारे में। इनका सिलेबस अलग अलग दिया हुआ है पीईबी की वेबसाइट पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आईटीआई का सिलेबस डीजल मैकेनिक से रिलेटेड, जो कि आईटीआई टीओ की वैकेंसी के लिए मेनली रहता है, ठीक है ना। आज अपन बात करने वाले हैं मैकेनिकल मोटर व्हीकल के बारे में। ये एक्चुअली ये होता है 2 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ये जो सिलेबस है, ये पीईबी की वेबसाइट पे पूरा अपलोडेड है। वहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया है और इसे मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं। ये मैं आज इसलिए बताना चाहता हूँ कि अपन ने लास्ट वीडियो में किया था डीजल मैकेनिक्स का सिलेबस, जो कि 2 सेमेस्टर का था, और इसका है 4 सेमेस्टर का। इसमें अच्छी बात यह है कि मैकेनिकल मोटर व्हीकल में डीजल मैकेनिक से 2 सेमेस्टर का सिलेबस सेम है। तो मतलब जो डीजल मैकेनिक पढ़ना है, वो तो पूरा इसमें पढ़ना है ही, और प्लस एक्स्ट्रा 2 सेमेस्टर का और एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे अपन देखते हैं कि इसके जो स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर थे, उसमें जो सिलेबस था ट्रेड के लिए, वो आप देखेंगे तो वो इंट्रोडक्शन था, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, मार्क्स एंड पावर टूल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड फास्टनर्स, कटिंग टूल्स, लिमिट ड्रिलिंग मशीन, सीट मेटल और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हीट ट्रीटमेंट, और अपन नेक्स्ट में जाते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन, और इंजन के कंपोनेंट थे वेरियस, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, सिलेंडर ब्लॉक, इंजन असेंबली, नीड्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, नीड फॉर लुब्रिकेशन सिस्टम, इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, इनके कंपोनेंट्स भी थे, फिर डीजल फ्यूल सिस्टम्स था, एंड लास्ट में इमिशन कंट्रोल। यही देखा था अपन ने लास्ट में। सेम अपन ने ये देखा था, किसके लिए देखा था, ये डीजल मैकेनिक का सिलेबस था, जो मैंने पीडीएफ लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड की थी और आपको वीडियो भी दिखाई मिली थी। इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है अपन को? इसमें अपन को एक्स्ट्रा 1 ईयर का कोर्स और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो इसमें अलग से कुछ चीज़ें अपन को और पढ़ना पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए। अब मैंने जैसे बता ही दिया था कि इसका आईटीआई 2 का एग्ज़ाम 75 मार्क्स टेक्निकल आता है और 25 मार्क्स नॉन टेक्निकल। तो 75 मार्क्स इसी के क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप इसको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है इसके लिए अपन को, कौन सी वाली ब्रांच के लिए? मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए क्लचेस पढ़ना पड़ेंगे, ट्रांसमिशन पढ़ना पड़ेगा, और ये अपन का 4 व्हील ड्राइव होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें दी गई हैं, स्टेयरिंग मैकेनिज्म है, स्टेयरिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स वगैरह कैसी होती हैं, व्हील्स एंड टायर्स, और ब्रेकिंग सिस्टम, मेनली ब्रेकिंग सिस्टम। ये सब, ये जो भी ऑटोमोबाइल वाला पार्ट है, वो मैकेनिकल मोटर व्हीकल में आता है। ओके, तो आप जो भी है वो डीजल मैकेनिक का पूरा कंप्लीट कीजिए। इसके बाद इसका मोटर व्हीकल का जो एक्स्ट्रा है, क्लचेस वगैरह है, और अपना ये भी जो भी 4 व्हील ड्राइव है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो जो है ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह है, वो सब आप क्लियर करेंगे। इसके बाद आपकी 2 ब्रांचेस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डीजल मैकेनिक का और मैकेनिक मोटर व्हीकल का। इसके साथ आपकी 2 ब्रांचेस रेडी हो जाएंगी, जिससे आप 2 एग्ज़ाम भर सकते हैं, और साथ में वैकेंसी दोनों की आने वाली हैं। यदि वैकेंसी आती हैं तो आपको दोनों एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। आपको यदि 1 एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो दूसरे में चांसेस रहेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ए एल पी आके। ओके।